हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम रहमान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप ऑफ पोर्टल 2019 एंड 20 और ईशान उदय स्कॉलरशिप जो है 2019 एंड 20 का लास्ट डेट मतलब एप्लीकेशन डेडलाइन कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें वो बताऊंगा, और इसमें हर स्टूडेंट को कितने पैसे मिलता है उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आपको पूरा डिटेल्स जानना है, वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना, तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं एनएसपी 2019 एंड ईशान उदय स्कॉलरशिप का लास्ट डेडलाइन और उसमें स्टूडेंट को कितना पैसा मिलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख लीजिए, देखिए प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़, तो उसमें जो डेडलाइन है एप्लीकेशन डेडलाइन वो 15 अक्टूबर 2019 तक है, और पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़ उसका जो डेडलाइन है वो 31 अक्टूबर तक है। और एक कोर्स ये भी देखिए, मेरिट्स आप मीन स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्स के लिए भी जो है 31 अक्टूबर लास्ट डेडलाइन है। और फ्रेंड्स, ये भी देखिए ईशान उदय स्कॉलरशिप का जो लास्ट डेट है वो भी 31 अक्टूबर 2019 तक ही है। तो ये जो डेट है वो बढ़ता है, लेकिन अगर आपका जो है ये आपको अप्लाई करना है स्कॉलरशिप में तो आप इसी डेट के अंदर ही अंदर कर लीजिए। तो आप बात होता है कि लोग जो है हर स्टूडेंट को कितने कितना पैसा मिलता है स्कॉलरशिप से। तो फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं होता है, मतलब कितना पैसा आपको मिलेगा ये फिक्स नहीं होता है, ये स्कॉलरशिप पे डिपेंड करता है आपकी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है। तो अगर आपको जो है स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है तो आप कर लीजिए, आपको अमाउंट जितना मिलना चाहिए वो ही मिलेगा। तो आपको जो है ये स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना मिलेगा वो फिक्स्ड नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबाकर रख लीजिए ताकि नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो को नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।